पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सूचना निदेशालय लखनऊ द्वारा मंडल मुख्यालय मुरादाबाद स्थित पंचायत भवन परिसर में 7 दिवसीय विकास क्षेत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान शासन की प्राथमिकताओं के आलोक में विकास क्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 23 सितंबर 2022 तक चलेगा। जन सामान्य अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पंचायत भवन परिसर मुरादाबाद में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करें और अपने लाभ की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकास क्षेत्र प्रदर्शनी केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी उपलब्धियों, निर्णयों और योजनाओं पर आधारित होने के साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने के लिए आयोजित की गई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर चित्रों का प्रदर्शन आकर्षण और शिक्षाप्रद है। विकास प्रदर्शनी में नगर विधायक ने प्रधानमंत्री भारत सरकार के व्यक्तित्व पर आधारित चित्रों का अवलोकन किया। इस अवसर पर नगर विधायक ने बताया कि अंत्योदय के उपासक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। विधायक जी, आज प्रदर्शनी लगाई है, क्या कहना चाहिए? आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता और देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। पूरा भारतवर्ष एक उत्सव के रूप में उनका जन्मदिवस मना रहा है। मैं आज इस मौके पर समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की तारीख से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। आज मोदी जी के जन्मदिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। बहुत बड़े स्केल पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। उसके साथ ही साथ मोदी जी के जीवन पर, उनके बचपन से लेके आज तक जो भी उनके दिनचर्या रही, जो भी उनके कार्य रहे, जो भी उनकी देश से संबंधित, समाज से संबंधित कार्य रहे, उसकी प्रदर्शनी पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। आज उसी प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ मुरादाबाद में किया गया। इस विकास प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इस विकास प्रदर्शनी का उद्देश्य जो भी कार्य मोदी जी के द्वारा किए गए हैं, आपने जैसे प्रदर्शनी देखी है अभी, तो उसमें बचपन से देशभक्ति की भावना, बचपन रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हुए बीता, कैसे कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, समाज के लिए उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, वो सब यहाँ पे इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। तो उनके जीवन से और भी लोग प्रभावित होके उनके जैसा बनने का प्रयास करें, कदम ताल देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें, तो यही इसका उद्देश्य है। और पूरी प्रदर्शनी, बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। उनका देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, सब चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मुरादाबाद की जनता से ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आएँ। 23 तारीख तक ये प्रदर्शनियाँ चलनी हैं और मोदी जी के जीवन को साक्षात यहाँ पे देखें।